बता के लाल ने आके जो किया है वो लगते नहीं कि हमारे बीच के नहीं हैं, हमारे ज़िले के नहीं हैं। उन्होंने जिस तरीके से काशी का विकास किया है वो अकल्पनीय है। हर परेशानियों का सामना करेंगे और सरकार का साथ देंगे, जहां उसकी ज़रूरत लगी हम लोग बिल्कुल खड़े रहेंगे। रेलवे स्टेशन इस तरह बन गया है जैसे पहचान में नहीं आ रहा है। मैं 2 साल बाद गया हूँ, सिर्फ पहचान में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इलाहाबाद का मेन जंक्शन हो। इतना बस होगा और विकास चलता ही रहेगा। कोई चक्कर में है कि नहीं? कोई टक्कर में नहीं है, कोई नहीं। बम्फर रोड से जीतेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए। निश्चित तौर पर 10 वर्षों के उनके कार्यकाल को लेकर हम बात करें तो देश और दुनिया जानती है कि अपने देश में काम क्या हुआ। खासकर अगर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात करें तो उसमें क्या काम हुआ है, आइए हम जानते हैं। ये है गंगा घाट, जो कि यहाँ पर प्रतिदिन दैनिक आरती होती है और लाखों लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पर इस आरती को देखने के लिए आते हैं। इसी तौर पर अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो एक जो भारत पूरा बसता है 28 राज्यों का, वो कहीं ना कहीं हर राज्य के लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम इनसे जानते हैं, इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम तरुण मिश्रा है। तरुण, कहाँ से आए हैं? हम प्रयागराज से। प्रयागराज कितना बदला है 10 साल? देखिए, प्रयागराज का विकास तो बहुत तेज़ी से इस समय हो रहा है। जैसे कि हम सभी लोग देख सकते हैं कि प्रयागराज अपने पुराने स्तर से और इस स्तर में काफ़ी अंतर है। जैसे कि पहले जो हर तरफ गंदगियों वगैरह होती थी, आज वो सारी चीज़ें जो है बदल चुकी हैं। हर चीज़ें एक सिस्टम से चल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे जो सरकार कर रही है कि इस बार 400 पार तो क्या लगता है, हो पाएगा? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से सरकार ने काम किया है हम युवा उससे बहुत सहमत हैं और हम चाहेंगे कि ये सरकार जो है वापस से बने और हमारे देश का विकास करे। युवाओं की एक समस्या है, नौकरी की बात जब आती है तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखती है। क्या कहेंगे नौकरी को लेकर सरकार ने काम किया है? नौकरी के लिए काम किया है सरकार ने, जो है कुछ कर्मचारी की वजह से ये जो सपा या बसपा या जो भी हो राजनीति है उसके कारण ये पेपर लीक होता है। ये बाद में सब बीजेपी का नाम लेते हैं, ये पूरा गलत है। ये सरकार आपकी ये कानून व्यवस्था, आप ये फिर दूसरे पर आरोप क्यों? ये सरकार हमेशा, देखिए, कुछ अराजक तत्व होते हैं जो हमारे समाज में आकर के चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। जैसे कि इसके पहले भी एक दो ऐसा नहीं हुआ कि इसी सरकार में पेपर लीक वाली कार्यवाही हुई है, इससे पहले भी पेपर लीक हुआ है। लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ अराजक तत्व होते हैं हमारे समाज में, जो पेपर को लीक करवा देते हैं और बाद में जो है इल्ज़ाम सरकार पर थोपते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सरकार के साथ हैं, ये सरकार के हम लोग विरुद्ध नहीं है। सरकार का जहां ज़रूरत पड़ेगी हम लोग वहां पे सपोर्ट करेंगे। एक युवा होने के नाते देश की जो है कमर के रीढ़ जो होते हैं वो युवा ही होते हैं और उसके साथ हम लोग बिल्कुल डट कर खड़े रहेंगे। हर परेशानियों का सामना करेंगे और सरकार का साथ देंगे, जहां उसकी ज़रूरत लगी हम लोग बिल्कुल खड़े रहेंगे। आप आए हैं पहली बार वाराणसी आ रहे हैं, इसके पूर्व भी आ चुके? नहीं, इसके पूर्व भी आए हैं लेकिन बचपन में आए हैं और अब में हमने बहुत ज़्यादा बदलाव देखा है। सारी चीज़ें सिस्टम से हो गई हैं। पहली चीज़ जो है घाट में काफ़ी सुरक्षा, जगह जगह पर पुलिस वाले व्यवस्था, हर चीज़ एक सिस्टम से चलने लगा है जो कि देखने में बहुत ही अति सुंदर है। बिल्कुल, बाहर से आए लोगों का कहना है कि बनारस काफ़ी बदला है। हम कुछ और लोगों से जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि शंकर। बनारस के रहने वाले? बाहर से? नहीं, बनारस से ही। बनारस के हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री यहाँ से लड़ रहे हैं, उनको कौन टक्कर दे सकता है? तीसरी बार लड़ रहे हैं, टक्कर में तो अभी तक कोई है ही नहीं। यहाँ के स्थानीय स्तर पे जो कांग्रेस वगैरह अन्य दल के लोग हैं, कोई दर्शन ही नहीं हो पाता है अभी भी, जबकि चुनाव की तैयारी के मूड में नहीं, लोग अन्य जिलों की ओर तलाश कर रहे हैं सीटों की। क्या कोई नहीं टक्कर में? जो कार्यकाल प्रधानमंत्री का रहा है, बनारस में कितना बदलाव दिख रहा है? बनारस अकल्पनीय हो गई है महादेव की, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं करते थे। ऐसे गंगा के लाल ने आके जो किया है वो लगते नहीं कि हमारे बीच के नहीं हैं, हमारे ज़िले के नहीं हैं। उन्होंने जिस तरीके से काशी का विकास किया है वो अकल्पनीय है। सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, उनकी योजनाएं आप तक पहुंची, किस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं? मैं तो उनकी मुद्रा योजना से लाभान्वित हूँ। बिजली 24 घंटे मिलती है। हम लोगों को पहले लाइट की इंतजार करनी पड़ती थी, अब तो लाइट के लिए हम लोग को स्विच ऑफ करने पड़ते हैं। और किसी योजना का लाभ मिला? आयुष्मान योजना का लाभ हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात करते हो, कुछ योजना का लाभ मिला? नहीं, देखिए, मैं तो इनकम टैक्स पे ही हूँ और योजना का लाभ मैं लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं उस
योग्य नहीं हूँ, और जिस योग में हूँ उस योजना का मैं भरपूर लाभ लेता रहा हूँ, मिलता भी है। क्या कोई लाभ लेने के दौरान कहीं कुछ रिश्वत भी मांगी जाती है इस सरकार में? नहीं नहीं, मैंने मुद्रा लोन लिया और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस दिन था उसी दिन मैंने खाता खोला था, और बात करते उस दिन जो है मुझे एक रुपये का डोनेशन नहीं देना पड़ा। मुझे बुलाकर एक हफ्ते के अंदर जो है लोन सेंक्शन हुआ, मेरे अकाउंट में पूरे पैसे गए। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। कहाँ से हैं भाई साहब? भाई साहब मैं हड़िया से हूँ, हड़िया विधानसभा से। हड़िया कितना बदला, इलाहाबाद में कितना बदलाव देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव तो बहुत हुआ है भाई साहब। बदलाव ये है कि ये समझ लीजिए हमारे एक पड़ता है जंघई स्टेशन, रेलवे स्टेशन। जब हम लोग जाते थे तो जो है सिर्फ केवल इतना स्मेल आता था, गंदगी इतनी रहती थी। आज की स्थिति ये है, चले जाइए जैसे ये घाट देख रहे हैं स्वच्छ ना, उसी तरह जो है आज स्वच्छता जो है वहाँ है और सारी व्यवस्थाएं हैं। रेलवे स्टेशन इस तरह बन गया है जैसे पहचान में नहीं आ रहा है। मैं 2 साल बाद गया हूँ, सिर्फ पहचान में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इलाहाबाद का मेन जंक्शन हो। इतना बढ़िया सुव्यवस्थित और जो है अच्छे ढंग से साफ़ सफाई और व्यवस्थित कर दिया गया है। लगातार सरकार काम कर रही है, उसके बाद भी विपक्ष कर रहा है कि कोई काम नहीं हो रहा है, तो जो चुनाव आ रहा है उसको किस तरह देख रहे हैं? 400 पार की बात कर रही बीजेपी की गठबंधन, तो क्या हो पाएगा? देखिए भैया, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है, जो दिख रहा है वही होगा। विकास हुआ है, विकास के नाम पे मोदी जी 400 पार के ऊपर जाएंगे। और रही बात विरोधियों की, विरोधियों का तो काम है विरोध करना, नहीं तो ये प्रजातंत्र लोकतंत्र रहा कहाँ? बिल्कुल नहीं रहा। लोकतंत्र में क्या होता है, एक विरोधी होता है, एक रूलिंग पार्टी होती है, यही तो मेन काम है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं, न्याय दिलाने की बात कर रहे, क्या लगता है भारत जोड़ने की ज़रूरत है या जुटा हुआ है? जुटा हुआ है हमारे हिसाब से तो, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। मोदी जी विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। बनारस से अभी तक किसी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, क्या लगता है मोदी जी की टक्कर में कोई आएगा? हमें तो नहीं लगता कोई आएगा, क्योंकि मोदी जी ही जीतेंगे जी। जिस तरह बनारस का विकास हुआ है उस हिसाब से तो मतलब कि आप कोई कंपटीशन ही नहीं है मोदी जी का, क्योंकि इस हिसाब से जहाँ पे इतना व्यवस्थित कर दिया है मंदिर के ये, और जहाँ भी मतलब आप जहाँ भी देख लीजिए हर जगह एक व्यवस्थित हो गया है ना, इतना आप मतलब पीपल्स के लिए मतलब आदमी के लिए इतना व्यवस्था हो गया है ना कि आप कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो आराम से मोदी जी यहाँ। 10 सालों के पहले क्या स्थिति थी जब आप अगर कभी आए हैं तो क्या लगा है? भैया पहले आते थे ना हम लोग, जैसे लगता है लाइन लगा हुआ है वहाँ शुरू से जहाँ हम लोग गाड़ी खड़ा करते थे। आज की स्थिति ये है कि चले जाइए आप जो है गाड़ी लेकर चले आ रहे हैं, मंदिर से 100 मीटर दूरी पर रोक रहे हैं, मंदिर के पास तक गाड़ी आ जा रही है। इतनी चौड़ीकरण हो गई है, गलियों को जो है काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। जो पहले रेड़ी वगैरह लगा के बैरिकेडिंग कर देते थे, जा नहीं सकते थे, आज जो है इतना जगह हो गया है कि आराम से कोई भी श्रद्धालु आ रहा है दर्शन कर ले रहा है। 1.5-2 लाख अगर श्रद्धालुओं की बात करें, बहुत जगह बन गया भैया, बहुत भीड़ होता, बहुत सकरा था पहले। पहले तो ऐसा लग रहा है जैसे गुफा में घुस रहे हैं, अब तो ये स्थिति हो गई है कि लगता है जैसे कि मंदिर केवल दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा जगह हो गया। बिल्कुल, कॉरिडोर बन जाने से जो दर्शनार्थी है उनको काफ़ी सहूलियत हो रही है, अंदर ही काफ़ी संख्या में भीड़ हो जाती है और बाहर पूरा इलाका खाली रहता है। कुछ और लोग हैं उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? विजय गुप्ता। विजय जी 10 साल का जो कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री का, आप बनारस के हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना कुछ बदलाव आया है? बहुत बदलाव हो गया है, जगह जगह विकास हुआ है, गड्ढा मुक्त हो गया है, कॉरिडोर भीड़ लगता है, मेला लगता है कॉरिडोर पे, नमो घाट पे मोदी जी बनवा दिए हैं। आज काशी का मान सम्मान सब ऊंचा हो गया है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं नमो घाट देखने, कॉरिडोर देखने, और 80 घाट हरिचर सब बढ़िया सा घाट हो गया, बहुत रोशन हो गया घाट। योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंच पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पहुंच रहा है, हद से ज़्यादा लाभ पहुंच रहा है। आपको क्या किस योजना का लाभ मिला? अरे हमको तो पूरा व्यवस्था मिल गया, शौचालय हुआ, अनाज हुआ, बिजली पानी सड़क, और मेरे पिताजी को तिमाही महीना में 3,000 रुपया भी मिल रहा है, 1,000 रुपया महीना भी मिल रहा है पेंशन मेरे पिताजी को, तो हम लोग बहुत खुश हैं। इतना मोदी योगी काम कर दिए वैसा कोई नहीं कर पाएगा, वो आने वाले समय में और विकास होगा और विकास चलता ही रहेगा। कोई टक्कर में है कि नहीं? कोई टक्कर में नहीं है, कोई नहीं है, कोई टक्कर में नहीं। तीसरी बार इस बार कितनी ओर से लग रहा है जीतेंगे? बम्पर ओर से जीतेंगे, बम्पर ओर से जीतेंगे,
और अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, अब काशी के बारी है, उसके बाद मथुरा के बारी होगा।